Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishna Vasudevaya. Devaki Nandanaya Nanda Gopala Kumaraya Vrindavana. He Krishna Krishna Dinabandhu Jagatpati Gopesh Gopi Karkanta Radha Radha Kanta Tapta Kanchana Gaurangi Nadeva Nilavaneshwari Vishwano Sutta Devi Rama 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 Shri Krishna Chaita Chaita Abunitya Shri Advaita Gadadha Vivasana Hare Krishna Krishna Hare Hare हम इन दिनों महाराज के विषय चर्चा कर रहे हैं। और हमने कल कथा को जहां विराम दिया था, कहां था कल कथा, कहां हमने विराम दिया था? तो प्रश्न ये था कि गोपियों के पति थे, फिर भी वो कृष्ण को ही पति स्वीकार कर रही थी। तो मैं ये समझा रहा था कि वास्तविक जीव का जो स्वरूप है वो नित्य कृष्ण का दास है। इसलिए कृष्ण जीव का नित्य का स्वामी है, कृष्ण भोगने वाला है। भोक्तारम यज्ञ तपस्या, मतलब कृष्ण को अगर हम कहेंगे तो ही इज इंजॉयर, ही इज इंजॉयर। कृष्ण कहते हैं भोक्तारम, मैं इंजॉयर हूं। किस चीज का? यज्ञ तपस्या। जो भी तुम यज्ञ करते हो, जो भी तुम तपस्या करते हो, वो सब का सब भोगने वाला कौन हो? मैं हूं। तुम कर्म भोगने वाले हो, मैं तपस्या भोगने वाला हूं। तुम कर्म के फल भोगते हो, मैं यज्ञ भोगता हूं। आई एम द इंजॉयर। जब कृष्ण भोगने वाले हैं, इंजॉयर है भगवान, तो जीव का काम है कृष्ण को प्रसन्न करें। और जब जीव कृष्ण को प्रसन्न करता है, अर्थात कृष्ण की रजा में जब जीव राजी रहता है, और यही हम सबों को श्रील भक्ति बाजी महाराज ने रोज समझाया, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद कृष्ण, आपने जिस स्थिति में मुझे रखा है आपकी मेहरबानी है। इसलिए अब गोपियां जैसे ही बंसी बजी, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, सबने अपनी शुद्ध बिसराई, गोप गोपियां दौड़ी आई, लोक लाज कछु काम न आई। याद रखना, लोक लाज लोक में चलती है, लोक लाज परलोक में नहीं चलती है। ये बात बड़ी समझने की कि जो लोक लाज है वो लोक में चलती है,
परलोक में नहीं, परलोक में परलोक लाज चलती है। यहां कौन सी लाज है जी? लोक लाज है। लोक लाज कछु काम ना आई। बहनों माताओं में तो जब आप हरि कथा की ओर आते हो तब भी तो लोक लाज को तोड़ के आते हो। हो सकता है इसमें किसी के घर वालों को न पसंद हो, किसी के घर वालों को पसंद ना हो, किसी के घर वाले को पसंद ना हो, किसी की घरवाली को पसंद ना हो, किसी के घर वाले नहीं चाहते होंगे कि आप भजन करें हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। किसी के घर वाले नहीं चाहते होंगे, किसी का घर वाला नहीं चाहता होगा, किसी की घर वाली नहीं चाहती होगी। क्योंकि जैसे ही हरि कथा का समय होता होगा वो कहते होंगे अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी और दिल भर गया तो बोलो ना छोड़ दोगे। इसलिए लोक लाज कछु काम ना आई। सब गोपियां दौड़ी, कहां दौड़ी? जहां बंसी बज रही थी। बंसी कौन बजा रहा था? कृष्ण। याद रखिए ये जो बंसी है ना, ये गोपी और कृष्ण के मिलाने का साधन है। बंसी जो है वो गोपी और कृष्ण को मिलाने का साधन है। जब कृष्ण को मिलना होता तब वे क्या बजाते? बंसी। और गोपियां समझ जाती कि अब मिलने का समय हो चुका है। जब कृष्ण बंसी बजाते, मोहन ने ऐसी कैसी बंसी बजाई? शुद्ध बिसराही। कौन सी? लोक की। याद रखना, जब तक लोक है तब तक परलोक नहीं है, समझ जाना। जब तक लोक है तब तक है, जब तक लोक है तब तक परलोक नहीं है। और लोक कब है? लोक कब तक है? जब तक लोग है, क्योंकि लोग से ही लोक बनता है और ये लोग ही परलोक की सबसे बड़ी बाधा है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसलिए हम कृष्ण की ओर जाने से एजिटेट होते हैं, हम कृष्ण की ओर जाने से झिझकते हैं। इसलिए जब कृष्ण गोपियों से मिलना चाहते तब वो क्या करते हैं? आपको पता है कृष्ण तीन तरह से त्रिभंग ललित हैं। और वो जब बंसी बजाते हैं तब वो कभी बंसी बजाते हैं, कभी वेणु बजाते हैं, कभी मुरली बजाते हैं। महाराज को जो बंसी बजाई उसका नाम था क्या? कृष्ण की बंसी का क्या नाम था? महानंद। क्योंकि जब कृष्ण बंसी बजाते सबको क्या आता? महानंद आता। और कभी कभी गोपियों को बंसी को देखकर
ऐसे भाव आने लगते कि बांसुरिया बेरन भाई, बांसुरिया बेरन भाई है बंसी, तू तो हमारी क्या हो गई है, बेरन हो गई है, दुश्मन हो गई है। बांसुरिया बेरन भाई काहे हमें दुख देत, हे बंसी तुम हमें क्यों दुख देती हो, जबकि तुम तो सुख देने वाली हो, महानंद हो, फिर भी हमें दुख देती हो, कैसे? बांसुरिया बेरन भाई काहे हमें दुख देत, हम तो प्यासे रह गए आप अधर रस लेत। हे बंसी तुम्हारे जो नखरे हैं ना वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि तुम कृष्ण की लाडली हो। दूसरी गोपी कहने लगी कुछ ज्यादा ही लाडली है, तभी तो कृष्ण के साथ चिटकी रहती है। एक कभी भी कृष्ण उसे दूर नहीं रखते हैं, कृष्ण से चिटकी रखती है, दूर नहीं करते हैं कृष्ण बंसी को। तीसरी ने कहा अरे चिटकी रहती है, इसके तो नखरे सबसे ज्यादा है कि ये जब सोती है तो ये कोई तकिया यूज नहीं करती है, पिल्लो यूज नहीं करती है, बल्कि कृष्ण के होंठों पे सर रख के सोती है। बांसुरिया बेरन भाई काहे हमें दुख देत, हम तो प्यासे रह गए आप अधर लेस लेत। अधरामृत, अधरामृत तो ही बंसी तुम लेती हो। चौथी ने कहा अरे ये जब सोती है ना तो तुम तो कह रही हो सखी कि ये कृष्ण के होंठों पे अपना सर रखती है, लेकिन इससे भी ज्यादा इसके नखरे हैं कि जब धूप आती है तो कृष्ण की नासिका उस पर छत्र का काम करती है, क्योंकि आप देखोगे जब बंसी आती है तो नाक उसके ऊपर आ जाता है। कृष्ण की नासिका बंसी के लिए क्या काम करती है, छत्र का। तब एक सखी कह रही है ये तो सब छोड़ दो, तुम लोग ने एक चीज पे तो ध्यान ही दे दिया है और वो हद हो गई है, हद सखी। बोला क्या? बोला जब सोती है ना तो कृष्ण अपनी उंगलियों से उसके पांव दबाते हैं। उंगलियों से बंसी के पांव दबाते, पांव, और इतना करने के बाद भी बंसी लाडली की लाडली एक बांसुरिया बेरन भाई काए हमें दुख दे, हम तो प्यासे रह गए आप अधर रस लेत। अब आज वही बंसी है बजी है, और जब आज बंसी बजी तो गोपियां पता है क्या बोल रही है, अब गोपियों के भाव, आज फिर जीने का इरादा है। और फिर आगे कैसे है? आज फिर जीने की तमन्ना है और आज फिर मरने का इरादा है। वाह क्या गाना है, आज फिर जीने की तमन्ना है और आज फिर मरने का इरादा है। जीने की तमन्ना इसलिए है गोविंद कि आप बुला रहे हो, जीने की तमन्ना इसलिए है कि आप बुला रहे हो, और मरने का इरादा इसलिए है कि आप पे कुर्बान हो जाए।
आप पे वारी हो जाए, आप पे बलिहारी, इसलिए मरने का इरादा है। किस पे मरने का इरादा है? आप पे मरने का इरादा है गोविंद, आप पे मर मिटने का इरादा है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर क्या इरादा है? मरने का। किस पे? हे श्याम सुंदर, आप पर, आप पे जी चाहते हैं मर जाए। और दूसरी तरफ जीना भी तो चाहते हैं और एक तरफ मरना भी चाहते हैं। दिस इज द मिरेकल ऑफ लव। प्रेमा भक्ति जहां होवे थे अविद्या विनाशी जाते। जब आपकी भक्ति में, जब आपकी साधना में, जब आपके भजन में, जब आपकी श्रद्धा में प्रेम आ गया, तो खुद बहुत क्या करता है? चमत्कार करता है। लव कैन क्रिएट मिरेकल्स। प्रेम सारे चमत्कार करता है। कैसा चमत्कार है? जीने की तमन्ना भी है और मरने का इरादा भी। जीने की तमन्ना इसलिए है कि तुम बुला रहे हो, और मरने का इरादा इसलिए है कि तुम पर मर मिट रहे हैं। अब मोहन ने ऐसी बंसी बजाई। अब बंसी सुनते सुनते सबने अपनी, अब बात चल रही थी कि बंसी इतनी लाडली क्यों है, या कृष्ण बंसी को इतना लाड क्यों लड़ाते, बंसी कृष्ण को इतनी प्यारी क्यों है? तो समझ लेना आज, क्योंकि बंसी ही वो साधन है जो प्रिया प्रीतम को मिलाने का, बंसी ही वो साधन है जो गोपी और कृष्ण को मिलाने का, बंसी ही वो साधन है जहां जीव और ईश्वर मिलते हैं। जब 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 बंसी बजती, गोपियां दौड़ती किसकी ओर? कृष्ण की ओर। इसलिए बंसी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बंसी कृष्ण की ओर ले जाने का साधन है, और वही बंसी सदगुरु के रूप में हमारे जीवन में आती बजती है। आनंद आनंद आज प्रेम की बांझे बंसूरिया। गुरुदेव वही बंसी है। क्यों? कि बंसी बजती गोपियों को कौन याद आता? कृष्ण। और सदगुरु बोलते हैं तब भी लोगों को क्या याद आता है? कृष्ण। जब सदगुरु बोलते हैं तब भी क्या बजती है? बोलो ना, बंसी बजती है, क्योंकि बंसी का काम ही है गोपी को कृष्ण तक मिलाना, जीव को ईश्वर से मिलाना। यही सदगुरु भी करते हैं, जो काम बंसी करती है वही गुरु करते हैं। गुरु भी जब बजते हैं अर्थात जब बोलते हैं तब जीव कृष्ण की ओर चलता है। अगर आज हम सब कृष्ण की ओर चल रहे हैं तो हमारे जीवन में कभी ना कभी तो वो बंसी सदगुरु के रूप में बजी थी। और आज भी अगर हम दौड़े चले आते हैं, कब दौड़ते हैं? जब सदगुरु रूपी बंसी बजती है। जितनी प्यारी बंसी है कृष्ण को, इतने प्यारे सदगुरु है कृष्ण को। जितना लाड कृष्ण बंसी को कराते हैं, उतना ही लाड कृष्ण गुरु को कराते हैं। क्यों? कि ये दोनों ही साधन है,
जब जब ये दोनों बजते हैं तब तक जीव को क्या याद आता है? कृष्ण याद आता है। अगर प्रभुपाद जी महाराज पश्चिम के देशों में जाके न बजते तो इतने सारे जीव कृष्ण की ओर कैसे चलते? इनमें से किसी को वृंदावन का बी नहीं पता था, वृंदावन का वी नहीं पता था। क्या राधा कुंड, क्या श्याम कुंड, क्या जमुना जी, क्या सेवा कुंड, क्या निधिवन, क्या राधा वल्लभ, क्या मदन मोहन, क्या गिरिराज जी, क्या बरसाना, क्या नंदगांव, क्या कामवन, कहां निधिवन, कहां मधुवन, कहां तालावन, कहां बेलवन, कहां वृंदावन, क्या पता। लेकिन जब सदगुरु रूपी बंसी हमारे जीवन में बजी तो हम मैं तो चली ब्रज की गली। अरे ब्रज की गलियों का रास्ता पता चल गया कि यहां से मुड़ो, लेफ्ट जाओ, लेफ्ट से जाओगे तो वहां से जाओगे, वहां से बांके बिहारी आए, वहां से राधा वल्लभ आए, वहां से मुड़ के इधर गए तो सीधे निकल गए कहां पर, श्याम सुंदर, श्याम तो उससे आगे गए तो दामोदर आ गए, दामोदर से आगे गए तो राधा रमन आ गए, और वहां से घूमते घूमते निधिवन आए, वहां से वृंदावन। ये कहां आया, ये ब्रज की गलियां। और आज हम कह सकते हैं मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की। ये कहां हुआ, कब हुआ? जब वो बंसी हमारे जीवन में, सदगुरु रूपी बंसी जब बजी। तब हमने भी कहा आज फिर जीने की तमन्ना है, नहीं तो हम में से कई लोग मर चुके थे। दे वर टोटली डेड। कई लोग मर चुके थे, नीरस हो चुके थे, जीवन व्यर्थ गंवा रहे थे। ऐसे में अच्छा बंसी कृष्ण दिन को भी तो बजा सकते थे, ये रात ही क्यों क्यों बजाई? रात को आऊं तो काना डर मोहे लागे, और दिन को आऊं तो देखे, ये रात ही क्यों क्यों बजाई? बंसी कृष्ण को रात ही मिली, दिन को भी बजा सकते थे, वो तो मालिक है। बंसी बजाने वाले, निंदे चुराने वाले, आप कभी भी बजा सकते थे बंसी, रात ही को क्यों बजाई भाई? ये क्वेश्चन है, एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि हे गोविंद, आपको रात ही बंसी बजाने को मिली, आप दिन को, दिन के 12 बजे बजाते तो क्या हो जाता था? मस्त धूप निकलती थी और हम बिना डर के भागे दौड़े दौड़े चले आते। ये आपको रात ही को क्यों बंसी बजाने की सूझी? समझो, बंसी रात ही को बजती है। अगर बंसी रात को ना बजे तो दिन भी नहीं होगा। कैसे आप समझो? ओम अज्ञान तिमरान दस्या। याद रखना, गुरु हमेशा बंसी या गुरु दोनों रात को मिलते हैं। सदगुरु किसी को दिन में मिल ही नहीं सकते। गुरु हमेशा रात को मिलते हैं। दिन को नहीं मिलते। बंसी भी रात को बजी, दिन को नहीं बजी। ये बड़ा रहस्य, ये संकेत है कि कृष्ण ने रात को क्यों बंसी बजाई, दिन को बजा सकते थे भाई। सुबह 7 बजे ही बजा देते, काम हो जाता, धूप तो निकलती कम से कम। चलो 8 बजे बजाते, 9 बजे बजाते, काम काज करके 11 बजे बजा देते,
ये रात को बजा रही, जब हर ओर क्या है, अंधेरा है। हाँ, जैसे बंसी रात को बजी, ऐसे सतगुरु भी रात ही को मिलते हैं, रात ही में मिलते हैं। कौन सी रात? अज्ञान की रात। ओम अज्ञान तिम्रान्धस्य। मेरे जीवन में क्या था? अज्ञान था। मेरे जीवन में क्या था? अंधेरा था। मेरे जीवन में क्या था? दिन था, रात थी। मेरे जीवन में क्या थी? रात थी। मेरे जीवन में अज्ञान था, मेरे जीवन में अंधेरा था, और मेरे जीवन में रात थी। दिन तो सदगुरु आपके मिलने के बाद निकला है। हे गुरु महाराज, दिन तो आपके मिलने के बाद निकला, आपके मिलने से पहले तो रात थी गहरी, और मैं उस अज्ञान में सो रहा था। 84 की नींद से सदगुरु ने आन जगा दिया, मैं भाई गुरुदेव की हमें भर के जाम पिला दिया। हे गुरुदेव, आपके मिलने के बाद सुबह हुई, नहीं तो मैं तो अज्ञान की रात में सोया हुआ था, और आप उस रात में मिले। क्योंकि सदगुरु के मिलने से पहले तो जीवन में अज्ञानता की रात ही होती है। जब गुरु मिलते हैं तो दिन होता है, इसलिए गुरु हमेशा कहां मिलते हैं? रात में ही मिलते हैं, अंधकार में ही मिलते, अज्ञानता में ही मिलते हैं। उसके बाद, मिलने के बाद ज्ञान प्रकट होता है, अर्थात ज्ञान का उजाला आता है। ओम अज्ञान तिम्रान्धस्य, ज्ञान अंजन श्लाघया, अब मेरी आंखों में उजाला आ गया, अब सूर्य प्रकट हो गया। किसी महापुरुष ने कहा है कि मेरा सूरज तो उस दिन निकला जिस दिन मुझे सदगुरु मिले, नहीं तो उससे पहले तो मेरे जीवन में रात ही थी। उससे पहले मेरे जीवन में रात थी, सूरज तो तब निकला जब मुझे सदगुरु मिले। इसलिए बंसी रात को बज रही थी, सदगुरु अंधकार में मिलते हैं, अज्ञान में मिलते हैं और प्रकाश करते हैं। अब सारी गोपियां दौड़ी, बंसी जहां बज रही थी, ऐसे जीव भी वहां दौड़ता है जहां सदगुरु बोलते हैं। वो भी बंसी, ये भी बंसी, वो भी प्यारी, ये भी प्यारे। समझ रही हो? वो भी प्यारी, ये भी प्यारे, वो न्यारी, इसके वारे न्यारे, ये याद रखना। इसलिए सारी गोपियां कृष्ण की ओर दौड़ती चली जा रही है, दौड़ती चली जा रही है, और दौड़ती चली जा रही है, और वैसे तो एक दूसरे को साथ लेके चलती, चलो सखी, चलो सखी, चलो सखी, चलो सखी, यहां कोई किसी का इंतजार ही नहीं कर रहा। लोक लाज, लोक लाज लोक में काम आती है, परलोक में नहीं। परलोक में तो भजन काम आता है। हरे कृष्ण, परलोक में भजन काम आता है, लोक में तो लोक लोक लाज है कछु काम ना आए। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जो सर पे तिलक लगा के घूमते हैं, लोग उनको पागल समझते होंगे, बेवकूफ समझते होंगे, हाथ में माला लेके घूमते हैं, पागल कहते होंगे। लेकिन पागल पागल बहुत अच्छे हैं, ये पागल सबसे अच्छे पागल है। पागलों के भी कई कैटेगरीज होती हैं, और ये पागल अच्छी क्वालिटी के पागल है। एक एक डॉक्टर पागल खाने में गया तो वहां सारे पागल नाच रहे थे,
सारे पागल नाच रहे थे, जोर जोर से नाच रहे थे, एक पागल चुप खड़ा था। डॉक्टर ने समझा ये बिल्कुल अब ठीक हो गया, तभी तो इनके साथ नहीं नाच रहा है, ये तो सब नाच रहे हैं, ऐसा खटिया हो खेर सा हो जमाल हो, सभी नाच रहे हैं और ये नाच नहीं रहा, मतलब ये अभी बिल्कुल ठीक हो गया है। तो डॉक्टर उसके पास गया, हाथ मिलाया, हाथ मिला के बोला मुझे लगता है आप ठीक हो गए हो। उसने बोला क्या बोला, मुझे लगता है आप ठीक हो गए हो। पागल ने बोला क्यों, बोला आप नाच नहीं रहे हो। पागल क्या बोलता, बोला दूल्हा कभी नाचता है क्या, नो डबल पागल है वो। तब पागल तो खुद, वो डॉक्टर खुद पागल हो गया, मैं तो समझा ये ठीक हो गया, ये यहां बैठा बैठा दूल्हा बन गया। लेकिन ये जो भक्ति के पागल हैं, ये हायर क्वालिटी के पागल हैं, सुपीरियर क्वालिटी के पागल हैं। हमारे सिर में क्या बोला, हमारे दिल में प्रेम के लच्छे हैं। बोलो, लच्छे देखें, खाए भी होंगे कभी कभी। हमारे दिल में प्रेम के, बोलो, हमारे दिल में प्रेम के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। बेस्ट क्वालिटी के पागल हैं जो प्रेम कृष्ण से करते हैं। हरे कृष्ण, गोपियों ने कोई कंडीशन नहीं रखी थी कृष्ण से, यथा आता था वह विद्वान तू लंपट हो प्राणातस्तु से न प्रा। हे प्यारे श्याम सुंदर, आप मालिक हो, बंसी कभी भी बजाओ, हम नौकर हैं, आ जाएंगे, बुलाया जब चले आए, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। आप मालिक हो और हमने आप पर छोड़ दिया है, आपकी मर्जी, कभी भी बजाओ बंसी, हम हाजिर हो जाएंगे सर। आप रात को बजाओ, दिन को बजाओ, सुबह बजाओ, शाम बजाओ, 3 बजे बजाओ या 7 बजे बजाओ, हम हाजिर हो जाएंगे। क्यों, तेरी राहों में खड़े दिल थाम के हमें दीवाने तेरे ना, तुम आप पे छोड़ दिया, जो तुद भावे सोई भली का, आप पे छोड़ दिया। याद रखना, जो भगवान पे छोड़ते हैं फायदे में रहते हैं, संसार पे छोड़ते हैं तो संसार एक दिन उनको छोड़ देता है। बड़ी समझने की बात बता रहा हूं, क्या बोला, जो भगवान पे छोड़ते हैं वो फायदे में रहते हैं, और जो संसार पे छोड़ते हैं संसार उनको छोड़ देता है। भक्तिपाद ने यही सिखाया, कृष्ण एज यू लाइक, मैं आप पे छोड़ता हूं। रियली ये कोई है मेरे साथ प्रॉब्लम, एक राजा सवारी लेके जा रहा था, समझना बहुत अद्भुत समझने की बात है। फिर आप जीवन में यही कहोगे, जो तुत भावे सोई वाली का, तू सदा सलामत। एक राजा सवारी से जा रहा था, तो जाते 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 राजा के कुर्ते का बटन जो था वो टूट के गिर गया। अब राजा तो राजा है, बिना बटन के कैसे जाएगा। ऐसे में देखा वजीर ने कि कुटिया में एक दर्जी बैठा कपड़े सी रहा,
दर्जी को बुलाया, बोला राजा का बटन क्या करो, टांक दो। दर्जी ने कहा मेरे सौभाग्य, राजा को तो छू नहीं सकता हूं, कम से कम राजा के कपड़ों को छू लूं, वो भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। याद रखना, संसार लोगों के लिए चांद जैसा है, और कुछ लोग किसी के लिए चांद जैसे होते हैं जो उसको देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। लेकिन कृष्ण वो चांद नहीं है, कृष्ण वो चंद्रमा नहीं है, कृष्ण वृंदावन चंद्र है। उसको आप छू भी सकते हो, देख भी सकते हो और पा भी सकते हो। ये संसार का चांद नहीं है। मैंने कहा ना, कुछ लोगों के जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चांद जैसे होते हैं, जिसको हम खाली देख सकते हैं, वो भी हसरत भरी नजर से, लेकिन उसे छू नहीं सकते। दर्जी ने सोचा मेरे सौभाग्य, राजा नहीं सही, राजा का कुर्ता ही सही, उसे ही छू लूंगा, राजा को फील करूंगा। लाओ जल्दी जल्दी राजा का कुर्ता के बर्तन को ढक दिया, महाराज लीजिए। राजा ने अपने शीवर में तुरंत पहन लिया। राजा तो राजा है, राजा ने पूछा क्या दूं? है क्या पूछा, क्या दूं? टेलर ने सोचा राजा दे रहा है, मौका छोड़ना नहीं चाहिए, मिलेगा बहुत माल। टेलर ने सोचा दूसरों से मैं एक पैसा लेता हूं, राजा से दो रुपए ले लेता हूं। श्री राधे, समझिएगा, राजा से दो रुपए ले लेता हूं। राजा ने बोला बोलो क्या दूं भाई। तो यहां तक आया शब्द क्या कि महाराज क्या दे दो, दो रुपए दे दो। फिर रुक गया कि ये बात तो सब में फैल जाएगी कि मैंने राजा से कितने लिए, तो ये तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं दूसरों से तो कितना लेता हूं, एक पैसा लेता हूं, राजा से दो रुपए गड़बड़ हो जाएगी। चलो छोड़ो, राजा पे ही छोड़ देता हूं, राजा पे ही छोड़ देता हूं। महाराज आपको जो अच्छा लगे दे दो। राजा ने सोचा अगर ये मांगता तो ये अपने हिसाब से मांगता, ज्यादा ज्यादा कितना लेता, दूसरों से एक पैसा लेता, मुझसे एक रुपया लेता, तो मेरी सस्ते में जान छूट जाती। अब इसने मेरे पे छोड़ दिया तो मुझे तो अपने हिसाब से देना पड़ेगा, क्यों कि मैं अगर इसको एक रुपया दूंगा तो दूसरे राजा क्या सोचेंगे कि इतना बड़ा राजा और है एक रुपया, नहीं नहीं मुझे अपने हिसाब से देना चाहिए इसको। वजीर इसको दो गांव दे दो है? वो टेलर को तो चक्कर आने लग गए, बोला दो गांव का मैं राजा बन गया। यही हाल हमारी है। कृष्ण हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, क्या बोल रहा हूं बोलो, कृष्ण हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं और हम कुछ मांगते हैं खाली, बहुत उसमें से निकल जाता है। हम कुछ मांग लेते हैं जबकि वो है, वो बहुत कुछ देना चाहता है और सोचता होगा चलो इसने अपने हिसाब से मांगा, मेरी जान छूट गई, क्योंकि मुझ पे छोड़ता तो मुझे अपने हिसाब से मांग देना पड़ता। अरे जब एक राजा ये सोचता है कि मुझे अपने हिसाब से देना पड़ेगा, तो कृष्ण तो राजाओं के भी राजाओं के भी राजाओं के भी राजाओं के भी, अगर रात के 12 बजे तक कहता रहूं, राजाओं के भी राजाओं का भी राजा, वो अपने हिसाब से देता है
तो हमारी कल्पना से भी परे है। ये मैं पर्सनल अनुभव से कह सकता हूं। ये हम सब समझ सकते हैं। जो तुद भावे सोई भलीकार, तू सदा सहमत प्रभु। इसलिए गोपियों ने कोई कंडीशन नहीं रखी कि 12 बजे ही दिन के बजाऊं। प्रभु रात को बजाओगे तो हम रात को आ जाएंगे, हम तो नौकर हैं। जब घंटी बजाओगे आ जाएंगे। हैं, बाहर बाहर वो जो बैठा होता है वो असिस्टेंट क्या करता है, बॉस अंदर से घंटी बजाता है वो आ जाता है और पूछते हैं जी साहब। बस हम भी रोज आते हैं, हमारी घंटी बजती है 9:45 बजे और हम सब आ जाते हैं और आकर क्या करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब मोहन ने ऐसी, सबने अपनी शुद्ध, सही कह रहा हूं। सत्संग में कभी कभी हमें घड़ी की भी शुद्ध नहीं रहती है। उनकी बांसुरियां बेरन थी, अपनी घड़ियां बेरन है, अटक जाती है तो हम लटक जाते हैं। इसलिए कल अब गोपियां गई हैं कहां पर, कृष्ण के पास। अब क्या होता है ये कल पे छोड़ देते हैं। लेकिन ये महारास है, ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा, ये नहीं रुकेगा। अब पता महारास कितना लंबा हो गया था, 6 महीने की एक रात हो गई थी, लेकिन उस रात में भी चंद्रमा चमक रहा था। ऐसे भले अज्ञान की कितनी लंबी रात हो, लेकिन सदगुरु रूपी चंद्रमा आ जाए तो जीवन में महारास हो जाता है, महारास आ जाता है जीवन। तो कल पे हम छोड़ देते हैं इसी कथा को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निदाय गौराय, जय 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 श्री जय जय श्री।